नमस्कार दोस्तों। दोस्तों बताने वाला हूँ, अगर आप जियो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जियो सिम इस्तेमाल करते हैं 4G सेट में, तो आप उसकी इंटरनेट स्पीड को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको APN सेटिंग करना है, एक न्यू APN सेटिंग करना है, जिसकी मदद से आपका जियो का इंटरनेट बढ़ जाएगा, इंटरनेट का स्पीड बढ़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैंने भी किया था और ये थोड़ा साबित हुआ है कि हाँ, थोड़ा सा बढ़ता ज़रूर है। तो यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है जियो की जो इंटरनेट सेटिंग होती है वहाँ पर, एक्चुअली आपके एक्सेस पॉइंट में जाना है। तो जिस जिस किसी किसी के मोबाइल पे कुछ कुछ होता है, तो यहाँ पर मोर में मैं जाऊँगा। मोर में जाने के बाद यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क में जाऊँगा। एक्चुअली आपको मोबाइल नेटवर्क में जाना है, किसी किसी के सेटिंग के अंदर ही आता है, किसी किसी को मोर के अंदर आता है। तो मोबाइल नेटवर्क के अंदर जाने के बाद यहाँ पर एक्सेस पॉइंट जो नेम है, यहाँ यही होता है, यहाँ पर सेटिंग आपको करना है। तो एक्सेस पॉइंट नेम में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको पहले से ही सेटिंग मिलेगा आपको, लेकिन आपको एक नया सेटिंग बनाना है। तो यहाँ पर या तो आपको न्यू सेटिंग करके आएगा, या आपको प्लस का बटन आएगा। तो यहाँ पर आपको प्लस का बटन करके या न्यू सेटिंग करके जाना है। और यहाँ पर आपको चार सेटिंग करनी है। सबसे पहले नेम डालना है, क्या डालना है, यहाँ पर नेम डालना है कैपिटल में J, और यहाँ पर इंटरनेट का I कैपिटल में। तो आपको यहाँ पर जियो इंटरनेट करना है और ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर APN सेटिंग जो करना है, APN का नाम क्या आपको क्या लिखना है, यहाँ पर सारे स्मॉल में लिखना है, जियो नेट और स्पेस नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको जैसा भी है जो भी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, नॉट से बाय डिफ़ॉल्ट रखना है। उसके बाद यहाँ पर MCC ऑप्शन जो आता है, MCC ऑप्शन में आपको 405 आपको दिखेगा, यहाँ पर 404 करना है। और MNC यहाँ पर जो 872 दिख रहा है, वहाँ पर आपको 10 कर देना है, ठीक है। करने के बाद यहाँ पर बाकी सारा चीज़ वैसे रहेगा। APN प्रोटोकॉल में अगर आप IPv4 रखते हैं, तो नीचे वाला भी रोमिंग प्रोटोकॉल में वही रखना है। तो यहाँ पर आप कर दीजिए 4 और 6 दोनों ही, ठीक है। उसके बाद आपका है बैरियर ऑप्शन। जो ये बैरियर ऑप्शन है, यही सबसे बड़ा दिक्कत करता है कि यहाँ पर क्या लिखे। तो किसी किसी मोबाइल में बहुत सारा ऑप्शन आता है, सबको टिक करना है। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, LTE, HRPD और अनस्पेसिफाइड। अनस्पेसिफाइड का मतलब होता है कि आप नेट भी चला सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं। और अगर LTE करेंगे तो सिर्फ आपका इंटरनेट चलेगा, बातें नहीं होगा। अगर आप इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो LTE ही कर सकते हैं, ठीक है। और अनस्पेसिफाइड रखेंगे तो बातें भी कर सकते हैं, इंटरनेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप यही रख दीजिए, ठीक है। रखने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है सेव, ठीक है। सेव करने के बाद जब आप इसको आप चलाएंगे, जब इसकी इंटरनेट स्पीड देखेंगे, तो आपका स्पीड जरूर बढ़ चुका होगा, ठीक है। तो मुझे वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।